आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन में आरसीबी की टीम जाके किस तरीके का स्क्वाड बनाना चाहेगी एंड कौन कौन से खिलाड़ी को इंक्लूड करने की पूरी कोशिश करने वाली है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम। तो गाइस आज की वीडियो में हम बात करेंगे। तो गाइस आज की वीडियो आरसीबी के फैंस के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम की फुल स्क्वाड के बारे में। आईपीएल 2022 में हम सभी को आरसीबी की टीम में स्क्वाड में कौन कौन से खिलाड़ी नजर आने वाले हैं, तो वीडियो गाइस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, तो वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा। तो गाइस चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ इंडिया का नंबर वन गेमिंग प्लेटफॉर्म के बारे में जिसका नाम है रेडी अन्ना। रेडी अन्ना 2010 से इंडिया में काम कर रही है एंड गाइस यहाँ पे आप लोग अभी 160 से भी ज्यादा यहाँ पे गेम्स खेल सकते हैं, 15 से ज्यादा इनके पास साइट्स हैं, 100 से भी ज्यादा इनके पास ब्रांच है इंडिया में और गाइस यहाँ पे 24/7 का आपको विड्रॉलर मिल जाता है एनी टाइम। एंड उसके साथ साथ गाइस आप लोग यहाँ पे इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, पेमेंट प्रूफ देखने के लिए आप लोग यहाँ पे सीधे नीचे टेलीग्राम को जाके ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे सब कुछ आपको दिख जाएगा। तो गाइस हम बात करते हैं सबसे पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम के बारे में। तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन से पहले 3 खिलाड़ी को उन्होंने अपनी टीम में इंक्लूड किया है। तो गाइस अब बात करते हैं यहाँ पे जहाँ पे उन्होंने विराट कोहली को 15 करोड़ दिया है, मोहम्मद सिराज को 7 करोड़ दिया है एंड ग्लेन मैक्सवेल को गाइस उन्होंने 11 करोड़ में रिटेन किया है आईपीएल 2022 के लिए। अब बात करते हैं आईपीएल 2022 में हम सभी को आरसीबी की टीम की स्क्वाड किस तरीके का नजर आ सकता है तो हम उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आरसीबी की बल्लेबाजी के बारे में। जी हाँ, आरसीबी की बल्लेबाजी के बारे में बात करेंगे। आरसीबी के बैटिंग ऑर्डर पे आपको कौन कौन से खिलाड़ी नजर आ सकते हैं? तो गाइस आपको नजर आ सकते हैं विराट कोहली नजर आने वाले पक्का एंड ग्लेन मैक्सवेल नजर आने वाले। आप कौन कौन से खिलाड़ी के नजर आ सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं तो आपको नजर आ सकते हैं ईशान किशन, सुरेश अय्यर, केएल राहुल, फाफ डुप्लेसी, स्टीव स्मिथ जैसे खिलाड़ी आप सभी को आरसीबी के बैटिंग ऑर्डर पे नजर आ सकते हैं। एंड इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि गाइस यहाँ पे एबी डिविलियर्स के चले जाने से आरसीबी की टीम पूरी तरीके से आधा हो चुकी है। ये बात सभी आरसीबी के फैंस अच्छी तरीके से जानते हैं। अगर यहाँ पे एबी डिविलियर्स के बदले यहाँ पे 2-3 खिलाड़ी को भी लिया जाए तो गाइस यहाँ पे काफी ज्यादा कम पड़ जाएगा आरसीबी की टीम में। तो अगर इसी वजह से इतने बड़े बड़े खिलाड़ी का नाम यहाँ पे लिया जा रहा है, हम बड़े बड़े खिलाड़ी का नाम तो ले रहे हैं लेकिन गाइस इनके थोड़ा दर्शन की बात करें तो दर्शन भी इनके ठीक ठाक ही है, उतना ज्यादा खराब नहीं है। केएल राहुल की बात करें, सीएस अय्यर की बात करें, अगर हम लोग ईशान किशन की बात करें, हम लोग स्टीव स्मिथ की बात करें तो इन्होंने गाइस यहाँ पे आईपीएल में परफॉर्म किया है, ऐसा नहीं है इन्होंने आईपीएल में परफॉर्म नहीं किया है। और आरसीबी की टीम की रिकॉर्ड की बात करें तो आरसीबी की टीम यहाँ पे स्टार्टिंग से बड़े बड़े खिलाड़ी को इंक्लूड करने में माहिर रही है और इस बार के मेगा ऑक्शन में भी यहाँ पे आरसीबी की टीम इन बड़े बड़े खिलाड़ी को इंक्लूड करने की पूरी कोशिश करने वाली है। और आरसीबी की टीम की तरफ से जो अपडेट निकल कर आई है हम सभी को जहाँ पे बताया गया है कि आरसीबी की टीम बड़े बड़े खिलाड़ी को इस बार भी इंक्लूड करने की पूरी कोशिश करेगी, जहाँ पे केएल राहुल के ऊपर आरसीबी की टीम बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है और साथ में यहाँ पे सुरेश अय्यर के ऊपर भी इंटरेस्टेड है आरसीबी की टीम। उसके साथ साथ गाइस यहाँ पे स्टीव स्मिथ को भी अगर इंक्लूड करती है आरसीबी की टीम तो आरसीबी की टीम के पास गाइस यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाएंगे। लेकिन आरसीबी की टीम इस बार थोड़ा सा गाइस यहाँ पे इंडियन खिलाड़ी के ऊपर ज़्यादा महत्व देने वाली है, जैसे कि केएल राहुल, सुरेश अय्यर, उसके साथ साथ गाइस यहाँ पे ईशान किशन, तो इन जैसे खिलाड़ी को ज़्यादा महत्व देने वाली है आरसीबी की टीम, क्योंकि विदेशी खिलाड़ी यहाँ पे 4 ही आप खिला सकते हो, उससे ज़्यादा खिला नहीं सकते। जहाँ पे आरसीबी की टीम इस बार यहाँ पे देत गेंदबाजी के ऊपर ज़्यादा फोकस करने वाली है तो आपको 2 फॉरन गेंदबाज के साथ जाना पड़ेगा और आरसीबी की टीम ये काम करने वाली है। माइक हसन को अच्छी तरीके से बात पता है एंड माइक हसन उस हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी वो बना भी रहे हैं, तो इसी वजह से गाइस यहाँ पे ज़्यादातर यहाँ पे इंडियन खिलाड़ी का नाम सामने निकल कर आ रहा है कि आरसीबी की टीम आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन में इस बार यहाँ पे भारतीय खिलाड़ी को इंक्लूड करने की ज़्यादा कोशिश करने वाली है। अब बात करते हैं यहाँ पे बैटिंग के बारे में हम लोग बात किए, अब बात करते हैं यहाँ पे ऑलराउंडर के बारे में। ऑलराउंडर की अगर हम लोग बात करें आरसीबी के टीम के पास ऑलरेडी एक ऑलराउंडर मौजूद है जिनका नाम है ग्लेन मैक्सवेल। अब ग्लेन मैक्सवेल को हम लोग थोड़ा सा साइड करते हैं क्योंकि ऑलरेडी वो आरसीबी की टीम के साथ जुड़े हुए हैं एंड आईपीएल 2022 में हम सभी को आरसीबी की टीम की तरफ से 100
100% नजर आने वाले हैं। अब बात करते हैं आरसीबी की टीम कौन कौन से ऑलराउंडर को टारगेट करने वाली है और कौन कौन से ऑलराउंडर को इंक्लूड करने की पूरी कोशिश करने वाली है आरसीबी की टीम। अगर हम लोग इंडियन ऑलराउंडर की बात करें तो इंडियन ऑलराउंडर में आपको काफ़ी बड़े बड़े खिलाड़ी नजर आने वाले हैं, लाइक गाइस यहाँ पे कुणाल पांड्या, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे जैसे खिलाड़ी नजर आने वाले हैं। शार्दुल ठाकुर भी गाइस अब ऑलराउंडर बन चुके हैं, तो वो भी आप सभी को नजर आने वाले हैं। तो काफ़ी बड़े बड़े आप सभी को ऑलराउंडर गाइस नजर आने वाले हैं आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन में। इंडियन ऑलराउंडर की हम लोग बात कर रहे हैं। अब बात करते गाइस हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा विदेशी ऑलराउंडर के बारे में। तो विदेशी ऑलराउंडर में गाइस आप सभी को बेन स्टोक नजर आने वाले हैं, उसके बाद आपको मार्कस स्टोइनिस नजर आने वाले हैं और भी गाइस आप सभी को क्रिस वोक्स नजर आने वाले हैं, जोफ्रा आर्चर नजर आने वाले हैं। तो काफी बड़े बड़े आप सभी को विदेशी ऑलराउंडर भी नजर आने वाले हैं। अब बात करते हैं आरसीबी की टीम यहाँ पे कौन कौन से खिलाड़ी को इंक्लूड करने की पूरी कोशिश करने वाली है। तो गाइस यहाँ पे हार्दिक पांड्या को पूरी तरीके से इंक्लूड करने की कोशिश करने वाली है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम। उसके साथ साथ गाइस यहाँ पे बेन स्टोक को इंक्लूड करने की पूरी कोशिश करेगी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम। मेरे हिसाब से गाइस यहाँ पे इन दो ऑलराउंडर को इंक्लूड करने की पूरी कोशिश करने वाली है आरसीबी की टीम और इनको इंक्लूड करना भी चाहिए, क्योंकि अगर ये दो ऑलराउंडर आरसीबी की टीम में आते हैं तो आरसीबी की टीम हम सभी को और भी ज़्यादा मजबूत नजर आने वाली है। तो आपके इस पर में क्या ओपिनियन है, आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में जाके अपना अपना ओपिनियन जरूर बताइएगा। बाकी आप सभी को काफ़ी अच्छे अच्छे ऑलराउंडर और भी नजर आने वाले, और भी जितने सारे लीग में परफॉर्मेंस कर रहे हैं और भी अच्छे अच्छे खिलाड़ी आप सभी को देखने को मिल जाएंगे आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन में। अब बात करते गए हम लोग यहाँ पे गेंदबाजी के बारे में, आरसीबी की टीम कौन कौन से गेंदबाज को टारगेट करेगी एंड कौन कौन से गेंदबाज को गाइस इस पर इंक्लूड करने की पूरी कोशिश करने वाली है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम। अगर हम लोग गाइस अभी गेंदबाजी की बात करें तो गेंदबाजी में भी आप सभी को बहुत ही बड़े बड़े खिलाड़ी नजर आने वाले। अगर हम लोग इंडियन खिलाड़ी की बात करें तो इंडियन खिलाड़ी में गाइस आप सभी को बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी नजर आने वाले, लाइक गाइस आपको यहाँ पे नजर आने वाले शार्दुल ठाकुर यहाँ पे नजर आने वाले, साथ में आप सभी को दीपक चार नजर आने वाले, भुवनेश्वर कुमार नजर आने वाले, टी नटराजन नजर आने वाले। अगर हम लोग विदेशी के बारे में बात करें तो विदेशी में गाइस आप सभी को यहाँ पे जोफ्रा आर्चर नजर आने वाले, उसके साथ साथ कगिसो रवाडा नजर आने वाले, ट्रेंट बोल्ट नजर आने वाले। तो काफ़ी बड़े बड़े खिलाड़ी हम सभी को इस बार नजर आने वाले आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन में। और अभी तक की जो रिपोर्ट निकल कर आ रही है कि मिचेल स्टार्क भी शायद आप सभी को आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन में नाम देते हुए नजर आने वाले हैं। जी हाँ गाइस, यहाँ पे नाम देते हुए नजर आने वाले मिचेल स्टार्क यहाँ पे आईपीएल 2022 में। तो गाइस इसके रिगार्डिंग अभी तक की यही रिपोर्ट निकल कर आ रही है कि नाम देने वाले हैं, बट गाइस ये कन्फर्म रिपोर्ट नहीं है, बट अगर देंगे तो आगे मैं आप सभी को इन्फॉर्म कर दूंगा। अब बात करते हैं यहाँ पे आरसीबी की टीम कौन कौन से खिलाड़ी को इंक्लूड कर सकती है एंड कौन कौन से खिलाड़ी को आरसीबी की टीम को इंक्लूड करना चाहिए। हम बात करेंगे सबसे पहले दीपक चार के बारे में, क्योंकि अगर दीपक चार को अपनी टीम में इंक्लूड करती है आरसीबी की टीम तो पावर प्ले में उनके साथ गेंदबाजी करवा सकते हैं और साथ में भुवनेश्वर कुमार को भी इंक्लूड कर सकती हैं, क्योंकि इंडियन खिलाड़ी है, आप इनके साथ जा सकते हैं। और इंडियन खिलाड़ी का हिसाब पे ओम पावर प्ले में काफ़ी अच्छे विकेट चटकाते हैं, दीपक चार इसमें माहिर हैं एंड भुवनेश्वर कुमार भी जो कि यहाँ पे पावर प्ले में विकेट चटकाते हैं, तो अगर इनको इंक्लूड करती है आरसीबी की टीम तो गाइस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा आरसीबी की टीम को। अब बात करते हैं विदेशी खिलाड़ी के बारे में, तो विदेशी खिलाड़ी की अगर हम लोग बात करें आप यहाँ पे एक ही यहाँ पे गेंदबाज खिला सकते हो, वो भी देत गेंदबाज आपको खिलाना पड़ेगा विदेशी अगर आप खिलाते हो तो, अच्छा खिलाना पड़ेगा। ट्रेंट बोल्ट आपके पास है लेकिन ट्रेंट बोल्ट यहाँ पे पावर प्ले में ज़्यादा गेंदबाजी करते हैं, हमें नजर आए भी हैं। हम यहाँ पे जाएंगे कगिसो रवाडा के साथ। जी हाँ गाइस, यहाँ पे कगिसो रवाडा के साथ हम लोग यहाँ पे जाएंगे, क्योंकि कगिसो रवाडा लगातार यहाँ पे आखिरी ओवर में हम सभी को गेंदबाजी करते हुए नजर आए हैं और हमेशा गाइस यहाँ पे सभी को इम्प्रेस भी किए हैं कगिसो रवाडा, इसी वजह से हम यहाँ पे जा रहे हैं कगिसो रवाडा के साथ। तो गाइस यहाँ पे अगर यहाँ पे कगिसो रवाडा को अपनी टीम में इंक्लूड करती है आरसीबी की टीम तो गाइस यहाँ पे काफ़ी अच्छा ऑप्शन आ जाएगा आरसीबी की टीम के पास और आरसीबी की टीम को प्लेइंग 11 बनाने में भी ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। चार फॉरेन खिलाड़ी आपको टॉप क्लास नजर आ जाएंगे जहाँ पे आप लोग यहाँ पे बेन स्टोक के साथ जा सकते हैं और उसके साथ साथ आप लोग बेन स्टोक के साथ जा सकते हैं, उसके साथ साथ आप लोग यहाँ पे ग्लेन मैक्सवेल को इंक्लूड कर सकते हैं, कगिसो रवाडा को इंक्लूड कर लीजिए और एक फॉरेन खिलाड़ी को साथ आप लोग यहाँ पे जा सकते हैं। तो आरसीबी की टीम के पास यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन खुल जाएंगे एंड प्लेइंग 11 बनाने में भी काफ़ी ज़्यादा आसानी होगा। उसके बाद आपके पास अभी भुवनेश्वर कुमार आ जाएंगे, दीपक चार आ जाएंगे, उसके साथ साथ गाइस
पे काफी अच्छे अच्छे खिलाड़ी को इंक्लूड कर सकती है आरसीबी की टीम आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन में। तो आरसीबी के फैंस का इस बारे में क्या ओपिनियन है आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा। आरसीबी की टीम को कौन कौन से खिलाड़ी को टारगेट करना चाहिए आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन में, कौन कौन से खिलाड़ी को टारगेट करेगी आरसीबी की टीम, और आईपीएल 2022 के लिए यहाँ पे आरसीबी की टीम की स्क्वाड हम सभी को किस तरीके का नजर आने वाला है, तो वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में जाके आप लोग अपना अपना ओपिनियन जरूर बताइएगा आरसीबी के सभी फैंस। तो गाइस आपका इस बारे में जो भी ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जाके बताइए। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो फटाफट आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो गाइस हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।